हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ का करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, ये वीडियो हमने आपके रिवीजन पर्पस से बनाया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2022। पाकिस्तान 2022 के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? राइट आंसर होगा शहबाज शरीफ। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम एज ऑफ मार्च 2022? मार्च 2022 तक सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट कितना है? सही आंसर होगा ए 7.6%। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ DCB बैंक? DCB बैंक के MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर होगा ए मुरली एम नटराजन। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड गाउफेन 3 सैटेलाइट? किस देश ने गाउफेन 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? जापान, चाइना, ताइवान, रसिया। राइट आंसर होगा बी चाइना। सरहुल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सरहुल फेस्टिवल जो होता है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? झारखंड, बिहार, MP, वेस्ट बंगाल। सही आंसर होगा झारखंड। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे? किस दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर होगा अप्रैल 8। वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड इन? वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, करेक्ट आंसर होगा अप्रैल 10। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं AFSPA? इससे कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है? करेक्ट आंसर होगा बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। विच रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च्ड आइडियोथॉन नेम्ड मंथन? किस रेगुलेटरी बॉडी ने मंथन नाम से आइडियोथॉन लॉन्च किया? करेक्ट आंसर होगा सेबी। बिजनेस ब्लास्टर्स इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी? किस इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी का बिजनेस ब्लास्टर्स एक फ्लैगशिप यानी कि मेन प्रोग्राम है? करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली। Which bank acquired the Indian consumer banking businesses of Citibank? किस बैंक ने Citibank के Indian consumer banking businesses को acquire किया? Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, Yes Bank। Correct answer होगा Axis Bank। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मैक्सोट प्रकृति इन अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 में किस यूनियन मिनिस्टर ने इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मैक्सोट प्रकृति का लॉन्च किया, शुभारंभ किया? राइट आंसर होगा भूपेंद्र यादव।
इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड हाउ मच USD टू द यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड फॉर 2022। भारत ने 2022 के लिए यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड में कितना USD कंट्रीब्यूट किया है? करेक्ट आंसर होगा 1.5 लाख USD। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस इज सपोर्टेड बाय विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन? MSME परफॉर्मेंस को बढ़ाना और तेज करना किस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन द्वारा सपोर्टेड है? राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। विच कंट्री हैज होस्टेड द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग इन 2022? किस देश ने 2022 में क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग को होस्ट की है? इंडिया, चाइना, नेपाल, USA। करेक्ट आंसर होगा इंडिया। हु हैज वॉन द चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021? एक आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021 के लिए चमेली देवी जैन अवार्ड किसने जीता है? सही आंसर होगा आरेफा जोहरी। हु विल बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम मैं तो यहाँ हूँ? हिज कलेक्शन ऑफ पोएम मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रेस्टिजियस सम्मान सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा रामदरस मिश्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022? इनमें से किसने सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 को होस्ट किया? राइट आंसर होगा बी NSS IIT रुरके। इन अप्रैल 2022 विच स्टेट इज टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इन वेजिटेबल्स? अप्रैल 2022 में कौन सा स्टेट वेजिटेबल्स में टॉप प्रोड्यूसर है? तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। हु इज न्यू MD ऑफ DMRC? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के न्यू MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा विकास कुमार। शाही लीची अर्नड द GI टैग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? शाही लीची ने किस इंडियन स्टेट से GI टैग अर्जित किया है हासिल किया है? UP, बिहार, न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल? तो करेक्ट आंसर होगा बिहार से। Which country has won the women's double and mixed doubles squash title in Glasgow in April 2022? किस देश ने अप्रैल 2022 में ग्लासगो में महिला डबल एंड मिक्स डबल स्क्वैश का टाइटल जीता है? करेक्ट आंसर होगा इंडिया। विच स्टेट हेल्ड माधवपुर गेड फेयर? माधवपुर गेड मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? सही आंसर होगा गुजरात। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2022? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2022 किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा
चार्ल्स लैकलर हु हैज कॉन्फ्रेड द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर होगा नीलामणि फुकान। स्कूल चलो अभियान इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट? स्कूल चलो अभियान किस इंडियन स्टेट की एक पहल है? यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली। करेक्ट आंसर होगा यूपी। इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट द नेशनल डेल्फिक गेम्स? किस भारत किस ईयर नेशनल डेल्फिक गेम को होस्ट करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2023। विच मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द अमृत समागम? किस मंत्री ने अमृत समागम का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर होगा अमित शाह। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल टू रेड्रेस ग्रीवांसेस रिगार्डिंग क्रॉप इंश्योरेंस इन अप्रैल 2022? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रैल 2022 में क्रॉप इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स को कम करने या फिर कह सकते हैं खत्म करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? बिहार, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा? सही आंसर डी होगा, हरियाणा ने। विच अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? इनमें से किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा फाल्गुनी नायर। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट इज बिलोंग टू विच स्टेट? सीमा दर्शन प्रोजेक्ट किस स्टेट से बिलोंग करता है? बिहार, गुजरात, MP, UP। राइट आंसर होगा गुजरात से। विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2021 ट्री ऑफ सिटी ऑफ द वर्ल्ड? किस सिटी को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? करेक्ट आंसर होगा मुंबई। विच एनिवर्सरी ऑफ द जलियांवाला बाग मैसकर वॉज ऑब्जर्व्ड 13 अप्रैल 2022? 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है? करेक्ट आंसर होगा 103। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द महावीर जयंती इन अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 में किस दिन को महावीर जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया गया है? करेक्ट आंसर होगा 14 अप्रैल। हु वॉन द प्रेस्टिजियस रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट इन अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 में प्रेस्टिजियस रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? सही आंसर होगा आर प्रज्ञानानंदा। इन अप्रैल 2022 एम वेंकैया नायडू कन्फ्रेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2022। अप्रैल 2022 में एम वेंकैया नायडू ने
लेप्रोसी के लिए 2021 को इंटरनेशनल गांधी अवार्ड प्रदान किया है। किसे? करेक्ट आंसर होगा भूषण कुमार। विच कंपनी हैज बिकम द ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर्स ऑफ पीएम्स म्यूजियम इन दिल्ली? कौन सी कंपनी दिल्ली में पीएम के म्यूजियम की ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर बन गई है? करेक्ट आंसर होगा पेटीएम। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन चार्ज एज चेयरमैन ऑफ टाटा डिजिटल इन अप्रैल 2022? इनमें से किसने अप्रैल 2022 में टाटा डिजिटल के चेयरमैन के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? करेक्ट आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन इन अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 में पल्स और ग्रेन्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? करेक्ट आंसर होगा विमल खोथारी। इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप? भारत किस ईयर स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा? करेक्ट आंसर होगा 2023। विच डे इज द हिमाचल प्रदेश डे ऑब्जर्व्ड? हिमाचल प्रदेश डे किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा डी 15 अप्रैल को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन? द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन नामक बुक के ऑथर कौन है? करेक्ट आंसर होगा राजेश तलवार। देश के मेंटर इज अ न्यू स्कीम अनाउंस्ड बाय विच इंडियन स्टेट? देश के मेंटर किस इंडियन स्टेट द्वारा अनाउंस एक न्यू स्कीम है? पंजाब, न्यू दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल? सही आंसर होगा न्यू दिल्ली। विच एशियन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ नेशन वाइड पब्लिक इमरजेंसी एमिडिस्ट प्रोटेस्ट्स ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस? इकोनॉमिक क्राइसिस के प्रोटेस्ट के बीच किस एशियन कंट्री ने नेशन वाइड पब्लिक इमरजेंसी एमिडिस्ट की घोषणा की है, डिक्लेयर्ड किया है? राइट आंसर होगा श्रीलंका। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 2022? 2022 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का होस्ट कौन सा सिटी है? सही आंसर होगा इसका जिनेवा। Who has been appointed as the new foreign secretary of India? भारत के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा। Which institution releases the state of world population report? कौन सी संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी करती है, रिलीज करती है?
सही आंसर होगा बी UNFPA। विच कंट्री वॉन द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 49। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द इंटरनेशनल उड़ान स्कीम? किस मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल उड़ान स्कीम शुरू की है? करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? कौन सा स्टेट भारत के नेशनल कैलेंडर पर कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का होस्ट है? राइट आंसर होगा MP। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।